हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हम अपने पीसी में लैपटॉप में व्हाट्सएप कैसे चला सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हम अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने पीसी पे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक फोन भी यहाँ पे स्क्रीन पे लगाया हुआ है। यहाँ पे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने पीसी में व्हाट्सएप कैसे चला सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ध्यान से वीडियो देखना है। इसके लिए तो सबसे पहले आप अपना पीसी खोल लीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना फोन भी यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो आपको पीसी पे एक प्रोसेस करना पड़ेगा। इंटरनेट कनेक्शन आपको कनेक्ट कर लेना है पीसी में और यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पे चले जाना है। क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप वेब आपको सर्च करना है। व्हाट्सएप वेब आपको सर्च कर देना है और ये जो पहला लिंक आ रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। अब ये आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा और एक बार कोड स्कैनर जो है वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको अपने फोन में जाना है और व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में 3 डॉट मिलता है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको मिलेगा व्हाट्सएप वेब। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं व्हाट्सएप वेब दिया हुआ है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये स्कैन करने के लिए बोलेगा, तो आपको ये जो बारकोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है यही बारकोड को यहाँ पे स्कैन करना है। चलिए मैं स्कैन करके आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, अलाउ करते हैं और यहाँ पे ये स्कैन करना शुरू करेगा। देख सकते हैं जैसे ही आप यहां से स्कैन करते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं हमारा जो व्हाट्सएप फ़ोन में था वही व्हाट्सएप यहां पे हमारे पीसी में एग्जैक्टली उसी तरह से यहां पे आ चुका है जिस तरह से हमारे फ़ोन में है। अगर कोई भी मैसेज यहां पे आता है, कोई भी मैसेज करता है, तो व्हाट्सएप के पीसी में भी मुझे यहां पे दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अपने पीसी में व्हाट्सएप को चला सकते हैं। यहां पे मैं आपको बता दूं कि आपके व्हाट्सएप में एक नोटिफिकेशन भी आ गया होगा कि आपका जो व्हाट्सएप है वो करेंटली वेब में एक्टिव है। आप चाहें तो इसे लॉग आउट भी कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप से। जब तक आप लॉग आउट नहीं करेंगे तब तक आप व्हाट्सएप को चला सकते हैं इसी तरह से। आपको अब लॉग इन बार बार नहीं करना पड़ेगा, स्कैन नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप भी अपने पीसी या फिर कंप्यूटर में, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में व्हाट्सएप चला सकते हैं।